पांचवा अध्याय। श्री भरद्वाज जी बोले, महामते अब मुझसे रुद्र सर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा ये भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार की सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्म जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, साधु शिरोमणि, आपके प्रश्न अनुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा, साथ ही मुनियों द्वारा समतादिस प्रति सर्ग अनुसर्ग को भी विस्तार पूर्व के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुन। कल के आदि में प्रभु ब्रह्म जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वो प्रचंड एवं विशाल काय था तथा अपने तेज से दिशाओं तथा आवंतर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दधिक प्रमाण देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तू अपने शरीर को दो भाग कर लो। विप्र, ब्रह्म जी के ऐसे कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर लिया। द्विजश्रेष्ठ, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूप में विभक्त किया। मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, सुनी। अजय पात, अहिबुधन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्रम्बक, अपरिजात, वृषाकपि, शंभु, कपकृद्धि और रैव, ये ग्रह रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भगवान उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सबकी पत्नी है। विप्रेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों और वेताल आदि अन्य सहस्त्र भूतों को उत्पन्न किया। 30,500,000 उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीचि आदि शिष्यों के अनुसर का वर्णन करता हूँ, आप सुने। स्वयं ब्रह्म जी ने देवताओं से लेकर स्थाविरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन सभी बुद्धिमान ब्रह्म जी की ये सब प्रजाएं अब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अडिंगा, पुल सत्य, पुलह, क्रुतु, प्रेचिता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्म निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मन, अग्नि और पितर भी ब्रह्म के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयं भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शत्रुपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उस स्वयं भू मनु से देवी शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्पानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयं भू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और तेरी कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतान उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणि ग्रहण किया। धन की इन श्रद्धा का आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। द्विजश्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थीं, उनके नाम बता रही हैं। संभूति, अनुसुआ, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा। दक्ष के मातृश्व
और सत्यवान नामक दो महाभाग पुत्र भी हुए। उपरीक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्य आत्माओं ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी, उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अड़ंगा की भारिया स्मृति थी, उसने सिनीवाली, काहू, राका और अनुमति इन चार कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुआ ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन तीन पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उसे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले सूची इस अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उसके तीनों पुत्र तथा उनके ही पूर्वित 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इसी प्रकार 49 अग्नि कहे गए। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए इन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मीना और धारिणी इन दो कन्याओं को जन्म दिया। साधु शिरोमणि, पूर्व काल में स्वयं भू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो ये आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसे सुनी। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया, परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्प वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि के सृष्टि के लिए पूर्णता विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचना की इच्छा मन में लिए वीरन प्रजापति की कन्या अनुष्की के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरन्य कन्या अनुष्की के गर्भ से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 बहुपुत्र को, 2 अरिंगा को, 2 कन्या विद्वान कृषाश्व को समर्पित कर दी। इन सबके संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसने विश्वा देवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वी ने मरुत्वान वायु, वसु ने वसुगुण, भानु ने भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्ता भीमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागभूति नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धि संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनके प्राण है, ऐसे ही 8 ज्योतिमय वसु देवता कहे गए। उनके नाम सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं और इनके पुत्र और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की संख्या बहुत है, उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं काश्यप मुनि की पत्नी हुई उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महामते, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए महामते। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, तष्टवा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्यकश्यप हुआ, जिसे भगवान वरहा ने मारा, और दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ, जो नरसिंह द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दिति से उत्पन्न हुए।
दनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्ठा के कश्यप जी से गंधर्व गण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधरण गण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विनीता के गरुड़ और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गाय और मृग। पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं, वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरानी वृक्ष, लता, वल्ली और सन जाति के तृण वर्ग को जन्म दिया। खना से यक्ष और राक्षसों तथा उन्हीं से अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंशुक नामक महासर्प हुए। विप्रवर, चंद्रमा के सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है, उसमें बुध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अरिष्टा में की स्त्री के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें अपिला, अतिलोहिता, पिता और सीता, इन चारों वर्ण वाली 4 बिजलियां कहलाई गई। प्रत्यडिंगरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देवर्षि कृष्णश्व के पुत्र देवर्षि ही हुए। ये 1,000 युग अर्थात 1 कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया है। विप्रवर, धर्म पूर्वक पालन करने लगे हुए भगवान नरसिंह के इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है, वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्रह्मन, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्म तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए हैं, उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया है। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे, वे निर्मल हो जाएंगे।